शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए आइए, बहुत सही समय पर आए हैं आप। ये मिठाई लीजिए, हमें टिकट मिला है। टिकट कट गया हमारा, महेंद्र को मिल गया, बुला दिया गया हमें। महेंद्र के सबसे कीमती पत्थर का नाम बता। उसकी बेटी। सुने हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई है आजकल, कोनो गौरव नाम के लड़के से ब्याह कर लिए। हमारे हाथ खोल कर दिखाओ, फिर बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कौन हो तुम, क्या चाहते हो, तू आए हो यहाँ पर? कब से बाबा जी तुम्हें फोन लगा लगा के परेशान हो रहे थे, और तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रही थी। ऑडियो नहीं पसंद ना तुम्हें, तो वीडियो ही दिखा देते हैं। तुम्हारे पति को उठाया है, डसा नहीं है जो तुम इतना नाटक कर रही हो। बंद करो अपनी फालतू की नाटक। गौरव उसका नहीं, मेरा पति है, उर्वशी चौधरी का पति, और वो इस घर की नौकरानी, और तुम। अरे रे रे रे, यहाँ जो फेल होगा ना वही जिएगा, और जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ऊपर जाएगा। क्या किस्मत है उस गौरव की, असली पत्नी को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, और घर की नौकरानी के हाथ से मोबाइल छूट गया। बंद करो अपना ये तमाशा, बताओ क्यों अगवा किया है हमारे दामाद को, क्या चाहते हो तुम? चलो कोई तो मुद्दे की बात पे आया। लो बात करो। हेलो, सीधा प्रसारण तो तुमने देख लिया है महेंद्र चौधरी। तो हम हैं यहाँ के मुखिया खलनायक, यानी कि बाबा, और तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम पार्टी का टिकट लौटा दो, नहीं तो हम लौटा देंगे तेरे दामाद को, वो भी टुकड़ों में। और हाँ, आज मैं भी वही घिसा पिटा फिल्मी डायलॉग जरूर बोलूंगा। अगर तुम में से कोई भी पुलिस या मीडिया में जाने की कोशिश की तो समझो गए। अरे तुम्हारे दामाद जी गए, अब या टिकट बचेगा या तोता। जिस तोते में तेरी जान है वो तोता हमारे पास है। चल चुड़ैल, यहाँ तो बिना डसे ही जहर फैल गया है। पुलिस को बताना ही पड़ेगा, अब और कोई उपाय नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन, हे माता, हे माता रानी, ये सब क्या हो गया है घर में, अब गौरव की सहायता कीजिएगा। उर्वशी,
उर्वशी। उर्वशी बेटा, ये मंगल, ये क्या किया तुमने उर्वशी? उर्वशी, उर्वशी बेटा, गौरव, मुझे गौरव चाहिए। पापा मुझे मेरा गौरव लाके दीजिए। हाँ मुझे मेरा गौरव चाहिए। मुझे गौरव चाहिए और कुछ भी नहीं। पापा मुझे गौरव चाहिए। ये बात है, हे माता रानी, हम नहीं जानते कि ये सब कैसे होगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो सब होगा। माता रानी, हम जानते हैं, अगर डाल पर सोई चिड़िया वहां से गिरती नहीं है, उसकी जान बच जाती है, तो सिर्फ आप बचाते हो। अगर बनाया आपने है, बताया आपने है, तो बचाओगे भी आप ही। हम नहीं जानते ये सब कैसे मुमकिन होगा, लेकिन जो भी करना है वो बस आप ही को करना है। ये बात है, हमारे गौरव की रक्षा करना बात है। हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारे गौरव की मदद करोगे। महेंद्र जी, हेलो इंस्पेक्टर जी। सर बताइए, हमारे दामाद को किसी ने अगवा कर लिया है और हमें धमकी दे रहे हैं। आप जानते कौन है वो? नहीं, वो लोग कुछ बाबा बाबा कह रहे थे। वैसे गौरव जी के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे? पुलिस या मीडिया में जाने की कोशिश की तो समझो तुम्हारे दामाद जी गए। हे माता, अब ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? कहीं उस बाबा ने गौरव को कुछ? हे माता, रक्षा करो। पापा, पापा मेरी बात सुनिए, आप ये टिकट लौटा दीजिए। ये नेतागिरी, ये विधायकी, सब कुछ छोड़ दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा गौरव चाहिए और कुछ भी नहीं। पापा वो क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे, घर मांग रहे, जो मांग रहे सब कुछ दे दीजिए, लेकिन मुझे मेरा गौरव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पापा प्लीज मेरी बात को समझिए। पापा प्लीज, पापा सुन रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ? करो अपना ये पागलपन, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। चुप। सर मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस तरफ नदिया का जंगल है और गौरव जी का फोन उसी तरफ ट्रेस हुआ है। और हाँ, वो बाबा बहुत ही खतरनाक है। सर हम अपने बेस्ट टीम को इसमें लगा देंगे, डोंट वरी, और जितना जल्दी हो सके हम आपको रिपोर्ट देते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर। उर्वशी, हम यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे हैं। पत्थर से पानी निकाला है, पानी को छान कर लोहा पैदा किया है। अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप कैसे भी करके ये पुलिस की छानबीन को रुकवा दीजिए। मीन साहब हमारी बात समझिए।
कुछ भी करिए लेकिन ये पुलिस की आदमी को रुकवा दीजिए वरना मुझे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गौरव की जान और खतरे में पड़ जाएगी। अब समझिए बेटा, वो आपके पति है, वो आपका सब कुछ है। गौरव मालिक की जान खतरे में चली जाएगी। अब कुछ भी करिए लेकिन ये छानबीन को रुकवा दीजिए। शट अप! मेरे मामले में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। गौरव मेरा पति है, मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। तुम बीच में मत पड़ो। मैंने तुम्हें रूम में इसीलिए बंद किया था ताकि गौरव को तुम्हारी मनहूस शक्ल देख के इस घर के बाहर ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी तुम्हारी मनहूसियत उस पर भारी पड़ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता अब हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि गौरव की शादी किससे हुई है। जब बात उनकी जान पर बनाएगी तो हम लड़ेंगे, जो करना पड़े वो करेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे गौरव के लिए। गौरव तुम जहां भी हो हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं। हम आ रहे हैं गौरव। वशी मैडम, आपको पता है हमने अभी देखा कि गहना कहीं भागी जा रही थी। भागी जा रही थी मतलब? मतलब कि गौरव सर लापता है और गहना पीछे पीछे पता लगाते लगाते लापता। कहीं गहना अपनी जान पे खेल के गौरव सर को बचाने तो नहीं चली गई? हे भगवान, कहीं गहना को मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सोचिए आप यहाँ घर पे, वहाँ वो गहना आपके हस्बैंड को बचा रही है। ऑटो ऑटो रुकिए, ऑटो, हमें वो जंगल की तरफ जाना है। वो मदिहा जंगल है ना, उस तरफ वहाँ ले चलिए हमें। उधर क्यों जाना मैडम, मदिरा जंगल बहुत खराब है, वापस लौट जाओ। अरे वहाँ क्यों नहीं जाएंगे हम? हम जाएंगे, वहाँ है कोई हमारा जो हमारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है, हमारी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा है हमसे। कोई रास्ता तो जरूर होगा यहाँ से निकलने का। हे महादेव, इस वक्त कहना ही है जो हमारी मदद कर सकती है। कहना कहाँ हो तुम? हमें जरूरत है तुम्हारी। कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हम क्या वहां नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, चाहे अकेले ही सही लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे। बहन जी आप ठीक तो हैं? बहन जी आंखें खोलिए बहन जी। गौरव मालिक, जंगल मदिया, जंगल मदिया, जंगल। जय हो बाबा की। आपके पताके पे विजय ले रहा है। चुगली करता है तो चल कर चुगली। इस बार बड़ी चुगली है। महेंद्र चौधरी ने बुलाया था, मदद मांग रहे थे। तो फिर कर दे मदद। कर तो रहा हूँ मदद अपनी। ड्यूटी निभा रहे हैं, अचौकन्ना कर रहे हैं, आपकी वफादारी निभा रहे हैं। पुलिस में बात चले गई तो महेंद्र चौधरी चुनाव से पीछे हटने वाला नहीं है। उसने हमारी बात को बहुत हल्के में लिया। बहन जी बहन जी बहन जी आप ठीक तो हैं? गौरव मालिक ठीक नहीं हो सकते तो
तो हम कैसे ठीक हो सकते? आप हमारी मदद करेंगे? आप हमें वो मदिया जंगल तक ले जाइए। वो पापा ने हमारे गौरव को अगवा कर लिया, उनकी जान खतरे में, हमें उनको किसी भी हाल में बचाना ही होगा। क्या बात कर रही है बहन जी, अपने मालिक को बचाने के लिए आप इतना बड़ा खतरा उठाएगी? उठाना तो पड़ेगा, वो हमारे मालिक तो है, लेकिन उससे पहले वो हमारा सुहाग है, हमारे पति है। वो बचपन में हमारी शादी हो गई थी, हमारा गौना होने ही वाला था कि वो जहाँ काम करता है ना, वो मालिक की बेटी, उसने कुछ चाल चल के उससे शादी कर ली। लेकिन चाहे कुछ भी, हमने तो उनको मन से हमारा पति माना है, उन्हें बचाना ही होगा हमें। आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें उस जंगल तक पहुँचा दीजिए, वो मदिया जंगल। सच कह रहा हूँ बहन जी, ऐसा प्यार आजकल सुनने को नहीं मिलता, तो देखने की बात तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, आपको जंगल के मुहाने तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको आपका प्यार प्यारा है ना, वैसे हमें भी हमारा प्यार प्यारा है। हमारी घरवाली को बच्चा होने वाला है, हमें जल्दी ही वहाँ पहुँचना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गहना गौरव को बचाने निकल गई है, चाहे कुछ भी हो जाए, गहना को एक खरोच नहीं आनी चाहिए, वो सही सलामत घर वापस पहुँचनी चाहिए। श्लोक, तुम अपने आदमी तैयार करो, जरूरत पड़ने वाली है, अब लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर पापा जी, हम गहना के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो इस घर की नौकरानी है, इसे तो गौरव के लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए, वो भी ड्राइवर ही था, और अब दामाद है। क्या कर रहे हैं हमें पता है। लेकिन मुझे नहीं पता पापा, और गहना जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। और क्या जरूरत थी उसे उस आग में कूदने की? एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि मुझे गौरव वापस चाहिए। अब गहना के साथ क्या गलत होता है, क्या होने वाला है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गहना को क्या हुआ? हमें पता चला कि गौरव को किसी ने किडनैप कर लिया, पर गहना को क्या हुआ? कौन गहना? गहना गहना, सब लोग गहना के बारे में इतनी बातें क्यों करते रहते हैं? और आपने हमारे प्रचार में जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए, आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये हमारा फैमिली मैटर है, इससे बाहर रहिए प्लीज। देवन जी, इसकी बात को छोड़िए, गौरव की वजह से ये परेशान है, और थोड़ी पैसे की चिंता भी। अरे नहीं, बात पैसों की नहीं है, हमें तो गहना की चिंता, मेरा मतलब है गौरव और गहना दोनों की चिंता है। एक्चुअली जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे तो आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएंगे। गौरव को कुछ हो गया तो कहीं इस गहना की बेवकूफी का खामियाजा गौरव को ना भुगतना पड़े। नहीं नहीं नहीं, इस सिचुएशन में गहना के भरोसे तो नहीं रह सकते, और ना पापा के भरोसे रह सकते हैं कि कब उनके लोग गौरव को छुड़वा कर लाएंगे। और वो श्लोक तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पापा को टिकट भी वापस ना करनी पड़े, और गौरव भी बाबा के चंगुल से छूट कर वापस आ जाए। इससे पहले कि गहना इस सारे मामले में घुसे, मुझे गौरव को बचाकर लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गहना ने उसको बचा लिया तो वो उसके करीब आने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। डू समथिंग उर्वशी, कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही पड़ेगा। गौरव, हम तुम्हें लेने आ गए हैं, अब तुम चिंता मत करना, बस थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखना, पर विश्वास रखो गौरव, हम तुम्हें यहां से बचाकर लेकर ही जाएंगे। ये क्या हो रहा है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या ना? कैसे आ सकती है? फिर भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कहना यहीं कहीं है, हमारे कहीं आसपास?
हे भोलेनाथ, हमारी कहना की रक्षा करना। ऐसा लग रहा है कि कहना किसी मुसीबत में है। लूंडा भाग गया बाबा। लूंडा भाग गया? कैसे? ढूंढ उसे। जा। ये जंगल हमारा है और हम इस जंगल के शेर हैं। बाबा ने बोला है देखते ही लौंडे को गोली मार दो। मार गोली। नहीं। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।